कारुभक्षणं भुमासुं सौंकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं भक्तकोण्ड महाकाय सूर्यकोटिस्मरः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सुसृढा दिति सिद्धि श्रीनाय श्रीमन्महाग्नाधिपते नमो नमः। हरिः ॐ महेश्वस्ति न इन्द्र हरिः सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न सारिक्षो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ॐ पायः पृथिव्यं पायोखधीषुः पायोः दिव्यन्तरिक्षे पायोदाः पायस्वति प्रदिश इन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौ भौ शान्तिरन्तरिक्षे शान्तिः पृथिवीः शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे तन्त्रदेवं सवितुर्यज्ञं प्राहुर बृहस्पते ब्रह्मणे तेन यज्ञमवत् तेन यज्ञं प्रति तेन माम वै मनो ज्योतिर्जुषतां माजस्य बृहस्पतिर्यजमिमं तनोः त्वरिष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवाः सैवमाधयं तामो प्रतिष्ठा एक वै प्रतिष्ठानं यजो यतेन तेन यजन्तेन श्रमेव प्रतिष्ठितम्। ॐ दीपो ज्योति प्रभं दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तुं मे पापं संध्या दीपो नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब बेटी आप पालकी के पास करो आगे रख दो। हेलो हेलो फूल मालाएं सारी निकालो मेरे महादेव कृपा करो। Thank you.
Thank you.
fitnaabsa.com खोल लेना और ये मेरी पालकी का दृश्य आपके घर की झलक सारा जहां देख रहा है। और मेरे महादेव कृपा करें इस पालकी की पहचान हो उसकी कृपा पर, ना बीच में कोई है ना कोई आए, जिसको भी भगवान मिलते हैं याद रखना सीधे, जिसने सिमरण सिमरण इन्होंने किया तो इन्हीं को मिलेगी ना, भक्ति इन्होंने की तो शक्ति नहीं को मिलेगी ना, ये नहीं भक्ति तो और कोई कर रहा हो और शक्ति कहीं और बढ़ जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। लोग बीच में भटक रहे हैं, मैं देखता हूँ कहीं मैं घर जाता हूँ ना, कहते पहले मेरे ना ये भगवान थे, फोटो लगी हुई थी तीन तीन चार चार, पहले मेरे ये भगवान थे, ये शरीर छोड़ गए, फिर दूसरे भगवान आ गए वो भी शरीर छोड़ गए, फिर तीसरे लगे। अरे भगवान एक होता है, भगवान एक होता है याद रखना, माँ एक होती है, पिता एक होता है, अरे रिश्ता पालकी सीधा महादेव से जुड़ती है, बीच में कभी भी किसी की भी जरूरत नहीं, कभी सोचो कल को मनोचा बीच में है इनकी जरूरत पड़ेगी, नहीं मेरे पल्ले कुछ नहीं है, काम आपने किया दुकान आपने चलाई तो कमाई आप खाओगे, जब आपने किया रामायण मैं बताने लगा तो यही रह जाएगा। छोट गुरु गोविंद सिंह के दो छोटे बालक, उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण के नैया ने अपने छोटे से बालक ने क्या किया, प्रहलाद एक छोटा सा बालक था उसने क्या किया, आप उनकी तरफ बालकों की तरफ ध्यान दो। और भगवान जिसने भी बुलाए, जिसने भी जिस माँ को याद किया, साईं बाबा को, गुरु नानक देव को, वीर हनुमान को, वो वही आए, भक्तों के चक्कर नहीं कटाए, कभी नहीं कहा मेरे पास चल कर आओ मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और ले जाओ। द्रौपदी का जब चीरन हो रहा था क्या द्रौपदी वहां चल के गई थी, वही पर जब मार्कंड ऋषि को कहा लेने के लिए आया तो महादेव आए, क्या मार्कंड ऋषि वहां चल के गया था, जब श्री राम ने युद्ध करना था महादेव को बुलाए महादेव आए तो वो युद्ध भी जीत गए, तो वहां श्री राम को वहां चलकर नहीं जाना पड़ा था। श्री कृष्ण भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाकर अर्जुन को युद्ध का संकेत देना था उन्होंने जब याद किया श्री कृष्ण वहीं पर आए और वो युद्ध जीत गए। तुम भी अपने जीवन का युद्ध जीत सकते हो याद रखना, जीवन का युद्ध अपने बच्चों का भी सीधा भगवान से रिश्ता कर लेना।